हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज शर्मा है और मेरे चैनल ओशियन टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक है कंप्यूटर में बगैर सॉफ्टवेयर के आप अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। इसमें फाइल, फोल्डर और ड्राइव, इन तीनों चीज़ों को हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपना डेटा सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं डेस्कटॉप पे फोल्डर मेरे टैग्स के नाम से, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में तीसरा ऑप्शन सिक्योरिटी है, इस पर क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी जैसे ही क्लिक किया इसमें तीन ऑप्शन आएंगे, सिस्टम और आपके कंप्यूटर का नाम और एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक किया, एडिट किया और फिर वापस एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक किया। इसमें आप देख सकते हैं परमिशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर आने के बाद अलाउ डिनाई, तो आप डिनाई पे फुल कंट्रोल कर देंगे। इसमें मॉडिफाई, रीड, एक्सक्यूड और लिस्ट, फोल्डर कंटेंट्स और रीड्स, ये सभी चीज़ें आप इसमें कोई ना तो रीड कर पाएंगे ना मॉडिफाई कर पाएंगे, ये फुल कंट्रोल आप कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। Do you want to continue? Yes. Okay. इसको ओपन करके देखते हैं, इसमें आ रहा है Do you currently have permission access folder? Continue. Do you have been denied permission to access folder? Close. तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है आपका फोल्डर ओपन नहीं हो रहा है, कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन इसको ओपन नहीं कर सकता। टेक्निकल आदमी या टेक्निकल बंदा कोई भी इसको ओपन कर सकता है। वैसे लॉक हो चुका है, अनलॉक भी सेम प्रोसेस है, बहुत आसान है दोस्तों। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने टेक्स्ट पे राइट क्लिक किया, फिर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में एडमिनिस्ट्रेटर, फिर एडिट, फिर एडमिनिस्ट्रेटर और फिर फुल कंट्रोल से ये सारे राइट टिक जो हो रहे हैं इन सबको हटा के अप्लाई और फिर ओके और ये ओके। ये टेक्स्ट को वापस ओपन किया तो हमारा ये फोल्डर ओपन हो गया, तो ये अनलॉक हो गया। यही सेम प्रोसेस हम फाइल में करते हैं। कोई भी फाइल ले ली, जैसे मैंने न्यू फोल्डर की एक फाइल, ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट की एक मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप फाइल दे सकते हैं, इसको मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटर, एडिट, एडमिनिस्ट्रेटर और परमिशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, वही फुल कंट्रोल, सेम प्रोसेस है, बहुत आसान है ये। अप्लाई, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, ओके। इसको ओपन करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये भी लॉक हो चुका है, हमारी फाइल लॉक हो चुकी है, अब इसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता जो नॉन टेक्निकल होगा, टेक्निकल बंदा इसको कर सकता है और टेक्निकल बंदा कोई भी लॉक खोल सकता है। इसको वापस अनलॉक करते हैं। ये प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटर, एडिट, एडमिनिस्ट्रेटर और फुल कंट्रोल से और बाकी चीज़ों से सभी से राइट टिक हटा देंगे और अप्लाई और ओके, ये ओके। फाइल ओपन करके देखते हैं, ये हमारी फाइल ओपन होगी दोस्तों। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत आसान है। अब तीसरा जो हम सिक्योर करते हैं हमारी पूरी ड्राइव को, हम सिक्योर करके देखते हैं पूरी ड्राइव सिक्योर करके देखते हैं, तो हम देखते हैं एफ ड्राइव, न्यू वॉल्यूम एफ ड्राइव को मैं सिक्योर करके देखता हूं। और चलिए शुरू करते हैं। ये भी राइट क्लिक किया, ये प्रॉपर्टीज और इसमें जो ऑप्शन आता है हमारा वो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर पे, एडिट और एडमिनिस्ट्रेटर और फुल कंट्रोल पे हम क्लिक करते हैं, अप्लाई करते हैं।
डू वांट टू कंटिन्यू? यस। अब ये जो इसमें अलग अलग फाइल हैं उन सबके लिए एक बार मैसेज देगा, तो आपको सभी पे कंटिन्यू करना है। एफ ड्राइव में ये बैकअप की मेरे पास फाइल है, फाइल को भी ये कह रहा है कि कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, सभी फाइलों को कंटिन्यू करवा रहा है। सभी फाइल हैं आपकी, देख सकते हैं आप, ये सारी मेरी फाइलें लॉक हो चुकी हैं। ये पूरा फोल्डर एफ ड्राइव मेरा लॉक हो चुका है। इसको ओपन करते हैं तो ये मैसेज आ रहा है कि SSH देना है। ओके। अब ये प्रोसेस थोड़ा अलग होगा अनलॉक का, जैसे फाइल और फोल्डर हम अनलॉक कर रहे थे उससे थोड़ा अलग है। देखिए, ये राइट क्लिक किया, ये प्रॉपर्टीज, ये सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, इसमें देखिए, ये राइट क्लिक किया, ये प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी, ये देखिए दोस्तों। अब हम इसको अनलॉक करने के लिए क्या करेंगे, इसको अनलॉक करने के लिए न्यू वॉल्यूम ऐप को पे राइट क्लिक किया, ये प्रॉपर्टीज, ये सिक्योरिटी। अब ये कह रहा है कि क्लिक एडवांस टू कंटिन्यू, यू मस्ट रीड परमिशन व्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्पेशल परमिशन और एडवांस सेटिंग, क्लिक एडवांस। एडवांस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ओनर नेम एफ ड्राइव, अनेबल टू डिस्प्ले करंट ओनर, इस पे हम क्लिक करेंगे। चेंज पे, चेंज पे पहला जो ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टाइप, इसको छोड़ दिया, फ्रॉम दिस लोकेशन इसको छोड़ दिया, एंटर द ऑब्जेक्ट नेम टू सेलेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट नेम है, कंप्यूटर नेम पूछ रहा है, कंप्यूटर नेम मेरा MK है, PC है, चेक नेम से कंप्लीट PC नेम आ गया, इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, ये परमिशन ऑब्जेक्ट के लिए कह रहा है, अप्लाई कर देंगे, अप्लाई, ओके ओके, ये ओके। ये सेम आ रहा है लेकिन ये परमिशन हमने दे दी है। अब इसको सेम प्रोसेस से वही प्रॉपर्टी में जाके और सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेट यूजर एडिट, ये अलाउ, अप्लाई, कंटिन्यू कंटिन्यू देना है। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक किया, इसमें राइट क्लिक करेंगे दोस्तों, राइट क्लिक किया, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटर, एडिट और एडमिनिस्ट्रेटर। अब अलाउ पे क्लिक करेंगे फुल कंट्रोल पे और अप्लाई। अब ये कह रहा है कि ये फाइल है आपकी, एक एक करके कंटिन्यू पूछेगा सारी फाइलों के लिए, ये कंटिन्यू ये कंटिन्यू ये कंटिन्यू ये कंटिन्यू ये कंटिन्यू ये कंटिन्यू। देखिए दोस्तों, ये अनलॉक हो चुकी है, बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही इजी है। चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं ये होप करता हूँ कि आपको ये बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके मोटिवेट कीजिए और वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।